जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगस्त 2024 में अंक ज्योतिष आप सभी के लिए क्या पूर्वानुमान दे रहा है। अगस्त के इस मंथ में आपके जीवन के किस क्षेत्र में चैलेंजेस हैं और किस क्षेत्र में खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने आ रही हैं, आइए डिटेल में इसकी चर्चा करते हैं। साल 2024 शनि की एनर्जी पूरे वर्ष रहेगी। अगस्त का ये मंथ, 8 का अंक, सूर्य राशि सिंह, सूर्य देव का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा, जिस कारण आप सभी 1 से 9 अंक वालों में कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ेगा ही, सरकारी क्षेत्र से जुड़े आपके जो भी पेंडिंग काम होंगे उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपके सभी पेंडिंग काम इस मंथ पूरे होने के संकेत हैं। स्टूडेंट्स अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खूब मेहनत करें। 21 जुलाई के बाद से आपका समय अच्छा चल रहा है। साथ ही आप लोग अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखें। इम्यूनिटी वीक होने के पूरे चांस हैं। 21 अगस्त के बाद बुध देव भी प्रभाव में आ जाएंगे। 21 अगस्त के बाद का समय लेखन कार्य से जुड़े लोगों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कमीशन एजेंट, एनजीओ से जुड़े, नर्सिंग से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। इस मंथ आपकी क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ही, साथ ही बुक पब्लिशर, कंटेंट राइटर फील्ड से जुड़े लोग भी एक अलग लेवल पर होंगे, इसीलिए इस मंथ का आपको पूरा लाभ उठाना है। मेहनत करते रहें, रिजल्ट भले ही देरी से मिले लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि शनिदेव रिजल्ट देने में देरी भले ही कर सकते हैं लेकिन देते जरूर हैं। इस मंथ बुध और शनिदेव दोनों ही वक्री अवस्था में रहेंगे, जिस कारण आप किसी भी रूप में अपने पास्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। पुरानी यादें, पुराने मित्र, एक्स पार्टनर, पुराना धन, पुरानी संपत्ति, पुरानी जॉब, कहीं से कोई पुराना लिखा हुआ लेखन कार्य, कहीं से कुछ भी आपकी लाइफ में अचानक से एंटर कर सकता है। आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि इस मंथ आपकी लाइफ में जो भी कुछ घटित होगा अचानक से ही घटित होगा, क्योंकि अगस्त के इस मंथ में आप सभी 1 से 9 अंक वालों का पर्सनल नंबर निकल कर आता है 16 का अंक। सूर्य और शुक्र से मिलकर बनी है ये केतु की एनर्जी। जहाँ एक और आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है, वहीं दूसरी ओर आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। रिश्ते में ईगो क्लैशेस तो रहेंगे ही, कारण कुछ भी बन सकता है, किंतु घर में रिश्तों में कलह रह सकती है या फिर रिश्तों में दूरियां भी आ सकती हैं। कारण कुछ भी बन सकता है, कारण आपकी जॉब प्लेसमेंट भी हो सकती है। इस मंथ आप सभी 1 से 9 अंक वालों को अपनी कामुकता पर भी कंट्रोल रखना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस बने तो बदनामी का कारण भी बन सकते हैं, सावधान रहें। रिश्तों में प्रेम है तो धोखे भी हैं। हालांकि अलग अलग मूलांक वालों पर इस मंथ भी अलग अलग ही कम या ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब बात अगर अंक 8 की कर ली जाए तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक बनता है 8। जिनका भी मूलांक या फिर भाग्यांक 8 का अंक है तो अगस्त के इस मंथ में पर्सनल नंबर निकल कर आता है 24 का अंक, यानी शुक्र की एनर्जी। अगस्त के इस मंथ में अंक 8 वालों पर 1, 5, 6, 7 और 8 के अंकों का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अगस्त के इस मंथ में अंक 8 वालों के लिए सफलता की उच्च संभावना के संकेत हैं। ये मंथ आपके लिए स्मार्ट विकल्प चुनने का है। आपके पास ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप डिसाइड ना कर पाएं कि किस रास्ते की ओर जाऊं, क्योंकि इस मंथ आपके पास कई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं, जिसमें से आपके लिए बेस्ट का चुनाव करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। आप लोगों को अपने प्रोफेशन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ये बात आपसे बेहतर भला और कौन जान सकता है। आप शनि प्रधान हैं, कर्म करके फल की इच्छा न रखने वाले, जानते हैं रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, और इसी दृढ़ विश्वास के साथ आप कर्म करते चले जाते हैं और एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त भी कर लेते हैं, क्योंकि शनि स्टेबिलिटी देते हैं। इस मंथ अगर अपने बिजनेस में आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो ये मंथ आपके लिए सही समय है। यदि आप कोई ज़रूरी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अगस्त का ये मंथ आपके प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट के संकेत दिखा रहा है। इस मंथ आपके विदेश यात्रा के भी संकेत हैं, कारण कोई भी हो सकता है, या फिर आप अपने शहर से दूर जगह किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस मंथ आपका झुकाव आध्यात्म की ओर ज़्यादा रहेगा। आपकी लाइफ में
अप्रत्याशित रूप से परिवर्तन आ सकते हैं, अचानक से कोई घटना घटित हो सकती है। मेंटली रूप से, मानसिक रूप से देखा जाए तो आपके सामने भ्रम और बेचैनी की स्थिति भी लगातार बनी रहेगी। कुछ भावनात्मक चुनौतियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और इन सब के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए आप आध्यात्मिकता की ओर अपना रुझान दिखा सकते हैं। दान, धर्म, सेवा भाव जैसे निस्वार्थ रूप से आप इन कारों से भी जुड़ सकते हैं। योग मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। इस मंथ अगर आपकी इनकम में वृद्धि के संकेत हैं तो खर्चे भी उस हिसाब से बढ़े रहेंगे। आर्थिक मामलों में हम कह सकते हैं कि ये मंथ आपके लिए अनुकूल ही रहेगा। पार्टनरशिप में की गई इन्वेस्टमेंट आपको लाभ के संकेत दे रहा है, लेकिन सलाह आपको फिर भी यही दी जाती है कि आंखें खुली रखें और सब सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर या दूसरों के दबाव में आकर बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको आगे चलकर प्रॉब्लम हो। आपको अपने वर्क प्लेस पर कुछ चैलेंजेस फेस करने हैं और उसके लिए आप अपने आप को मानसिक रूप से भी तैयार रखें। अपनी सूझबूझ से आप सभी चुनौतियों को पार करने की क्षमता रखते हैं, ये आप भलीभांति जानते हैं। अगर व्यापारिक बुद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे तो अपने प्रतिद्वंदियों पर, अपने कॉम्पिटिटर से जीत अवश्य हासिल कर लेंगे। मंथ के एंड तक हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, सॉर्ट आउट कर लें आप। आपकी लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहे। ध्यान रखें कि आप अपने वर्क प्लेस पर जो भी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो स्टेबिलिटी के साथ होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए, ताकि आपको लाइफ टाइम उसका गुड रिजल्ट मिलता रहे। हाँ, बीच बीच में आप अपने आप को आराम भी देते रहें। अपनी हेल्थ पर पूरी नज़र बनाए रखें। पेट की समस्या, बालों का झड़ना, मुहासे या कोई मौसमी परिवर्तन आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। अपने खाने पीने का और अपने सोने का समय सब कुछ निश्चित रखें और नियमित रखें। इस बात में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप लाइफ में कुछ आगे कर पाएंगे। अगस्त का ये मंथ आपको ऐसे रिजल्ट दे सकता है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयत्न करते आ रहे हैं। इस मंथ आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन साथ में सलाह भी यही दी जाती है कि ओवर एक्साइटेड होना, ज़्यादा उत्साही होकर काम करना आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। खासकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते समय अपने गंभीर संभाव को बने रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। काम के समय व्यवहारिक रहें, गंभीर बने रहें, फोकस्ड रहें। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आप उत्साही बने रह सकते हैं। आपकी लव लाइफ और आपकी फैमिली लाइफ आपको पॉजिटिव संकेत दे रहा है, फिर भी दिल का मामला है, सावधान रहें, बहसबाजी बढ़ सकती है। इस पूरे मंथ आपकी अपने जीवन साथी से फैमिली मुद्दों पर बहस जारी रह सकती है। ऐसे में समझदारी का परिचय दें, सिचुएशन धैर्यपूर्वक हैंडल करें। आप अपने घर को सजाने संवारने पर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुल मिलाकर ये मंथ आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। सभी सिचुएशन मोस्टली आपके पक्ष में हैं। मंथ के आरंभ में स्टूडेंट्स को अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है। नई योजनाओं पर कार्य आरंभ हो सकता है। बिजनेस में लाभ के चांसेस हैं। विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। माह के मध्य पीरियड में कुछ परेशानियां बनी रह सकती हैं। आपकी वर्क एफिशिएंसी थोड़ी इफेक्टिव हो सकती है। आपकी कार्य क्षमता प्रभावित रह सकती है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। थोड़े हेल्थ इशू भी रह सकते हैं, लेकिन मंथ का एंड आने तक स्थिति उसमें बदलाव संभव है। वर्क प्लेस पर भी आपको सबका सपोर्ट मिलेगा। इस टाइम पीरियड में आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। एक बात का ये भी ख्याल रखिए कि आपकी लाइफ में इस मंथ जो भी कुछ होगा अचानक से ही घटित होगा, इसीलिए धैर्य बनाए रखें और समझदारी से कार्य करें। लंबी आयु वाले जितना संभव हो वृक्ष लगाएं, उनको अडॉप्ट करें, उनकी केयर करें। इससे आपकी आयु में तो बढ़ोतरी होगी ही, साथ ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। इन सब के बावजूद परिस्थितियां अगर ऐसी हो जाएं कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आपका विजन क्लियर ना हो, तो काउंसलिंग की मदद भी अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अंक 8 वालों के बारे में अगर आप डिटेल में सारी जानकारी चाहते हैं, अपने जन्म के दिन के बारे में आप गहराई से समझना चाहते हैं, तो अंक 8 पर बनी मेरी ये दोनों वीडियोस अवश्य देखिएगा। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आप चाहे 17 तारीख को जन्मे हैं या फिर 26 तारीख को जन्मे हैं, ईश्वर ने आपको 8, 17 या फिर 26 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया है, आपकी डेस्टिनी क्या है,
इन सब की डिटेल में जानकारी आपको मेरी इन वीडियोस में अवश्य जानने को मिलेगी। अब आप चाहे 8 फरवरी को जन्मे हैं, 17 मार्च को जन्मे हैं या फिर 26 जून को जन्मे हैं, आपको अपने कैरियर का चुनाव कैसे करना चाहिए इन वीडियोस को देखकर आपको आपकी लाइफ का चैप्टर समझने में आसानी होगी, आपका विजन क्लियर होगा। तो कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं, और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।